आपको बता दें कि जिला बिलासपुर में दुर्घटनाओं को रोकने के लिए बिलासपुर आरटीओ विभाग ने अप्रैल महीने से लेकर अभी तक 760 चालान किए हैं, जिनमें से 480 चालान का पैसा वसूल कर लिया गया है। राशि 28.70 लाख रुपए सरकार के खाते में जमा करवा दी गई है। आरटीओ बिलासपुर राजेश कुमार कौशल ने ज्यादा जानकारी देते हुए बताया कि जो वाहन चालक यातायात नियमों की अवहेलना कर रहे हैं, उनके खिलाफ आरटीओ विभाग में शिकंजा कसा गया। सर, इसमें ऐसा है कि जो प्रदेश में एक्सीडेंट की जो रेशो है जो बढ़ रही है, वो एक बहुत चिंताजनक विषय है। और इसके सिवाय जो यात्री हैं या गुड्स व्हीकल हैं या हमारा जान माल है, उसकी जो सुरक्षा है वो बहुत ज़रूरी हो चुकी है। और तीसरी एक और इशू है कि जो हमारे परिवहन विभाग और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के जो टैक्सेस हैं, उसकी जो रिविजन होता है, उसको जब वंचन होता है, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश में हिमाचल सरकार परिवहन विभाग समय समय पर जो है वो चेकिंग अभियान चलाता है, और ताकि उल्लंघनाएँ जो परिवहन की उल्लंघनाएँ वो कम हो सकें और यात्रियों को अच्छी सुविधाएँ मिल सकें, और ओवरलोडिंग जैसी या टैक्स की जो विजन है, इस प्रकार की जो बातें हैं वो कम हो सकें, और ताकि सरकारी राजस्व की बात ही नहीं, लेकिन जो लोगों की जान माल है उसकी सुरक्षा भी जो है वो दिन प्रतिदिन जो है वो सुनिश्चित होती जाए।